ले लो ले लो, यहाँ पे देखिए, यो यो बहुत अभी लोग क्या सेंटर हो गया, बाइट्स कर ली एक मंडल, एक बार सोलो ले लूँ उनका। हाँ हो गया क्या, क्या चाहिए दोनों भाई को? सोलो सोलो लुक सेंटर यो 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 कैमरा सेंटर यो यो सेंटर ऑन योर राइट मैडम जी सेंटर देखिए। तो आज दिखा रहे हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व है और जो हमारे गांव के हमारे ज़िले के जो डीएम साहब हैं उन्हें हमने बुलाया है पूजा के लिए, लेकिन उनके आने से पहले खबर मिलती है कि कुछ हमलावर आए हुए हैं जो कि उनकी हत्या करना चाहते हैं और शिवा ये बात जानता है, शिवा उन लोगों को पहचानता भी है, तो शिवा खुद यहाँ आया है टू सेव द डीएम एंड क्योंकि शिवा उनके मकसद से वाकिफ है और वो जानता है कि वो किस तरह की चाल खेल सकते हैं। और बलवंत, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शो में शिवा का एक हमशक्ल आया हुआ है, वो एक टेररिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। सो शिवा का पूरा एम ये है आज कि कैसे भी डीएम साहब की जान बचानी है और जितने हमलावर हैं उनको पुलिस के हवाले करना। एक्शन सीक्वेंस से ज़्यादा आप देखेंगे कि कैसे शिवा इस बार, हमेशा एक्शन करता है लेकिन इस बार शिवा अपने दिमाग से कैसे उन हमलावरों को बेवकूफ़ बनाता है, उनको ये लगने लगता है कि उनका मिशन कामयाब हो गया है लेकिन एंड में एक ट्विस्ट आता है जो कि आप देखिएगा एपिसोड में ही। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आपने रक्षाबंधन को पिछले ऑलमोस्ट एक साल में इतना प्यार दिया है, इसी तरह प्यार देते रहिएगा, हम मेहनत करते हैं और करते रहेंगे कि आपके दिल में अपनी जगह बनाए रखें। थैंक यू। क्या हुआ ओ भाई, क्या सीन चल रहा है? मैं नौकरानी के भेस में हूँ, मेरी शादी फिर से मूंग से कर दी गई है और मूंग ने मुझे बोला है कि अब से तुम घर की नौकरानी हो क्योंकि मैंने बहुत बदमाशियां कर ली है, तभी मैं पछता रही हूँ, पछतावा कर रही हूँ लेकिन मैं चकोरी हूँ, मेरी अच्छाई में भी मेरी बुराई है। मैं महारानी तो वापस बनी जाऊँगी भाई, आप ऐसे इन कपड़ों पे मत जाओ, ये टेम्पररी है, मैं चकोरी हूँ, मैं महारानी बन के ही छोड़ूंगी। सी अभी हुआ क्या है ना, हमारे शो में कुछ हमलावर आ गए हैं तो हम अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको थोड़ा साइड में रख रहे हैं क्योंकि अभी बात देश की है, हमारी ज़मीन की है, हमारे फैमिली पे आ गई है, हम सब एक टीम बनकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छाई जो मेरी है वो कब तक टिकेगी मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल शिवरात्रि के जो इवेंट चल रहा है यहाँ पर और यहाँ पर डीएम आए हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में और कुछ हमला बमला होने वाला है, हम सब साथ में इसका उन बदमाशों का सत्यानाश करेंगे। यार मैं तो उनके नफ़रत में प्यार ढूंढती हूँ, जितना मुझसे नफ़रत करेंगे उतना ही मैं समझूंगी कि मेरी एक्टिंग को पसंद कर रहे हैं या फिर मेरे किरदार को पसंद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चकोरी के भी सीने में दिल है तो कुछ कुछ कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें कर लेती है, वो अलग बात है, उसकी फितरत चेंज नहीं होती, लेकिन अभी के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ। यस, शीन दास मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि वो भी हमारे शो में आई हैं अभी और एक अच्छा, बहुत ही सुंदर और ग्लैमरस लग रही है
एंड शो को भी एक नया फेस हमारे शो में देखने मिलेगा ऑडियंस को. तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड चेंज एंड वी रियली जेल रियली वेल ऑन द शो एंड वी आर एंजॉयिंग. थैंक यू. जी आज डिस्गाइज लुक है क्योंकि हम एक आम जो सभा में आए हैं वहाँ के लोगों की तरह दिखना चाहते हैं, पकड़े नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम जिस मकसद से आज यहाँ आए हैं वो मकसद पूरा होना चाहिए. उसके लिए हम आम इंसान जैसे, आतंक जो मचा रहे हैं वो आम इंसानों के कपड़ों में जो है वो करने का प्लान है. निशान को पहले हम जब जी का शो कर रहे थे तो ऐसे मिलते तो थे, जैसे महासंगम या कोई जी का वो होता, लेकिन मेरी बातचीत नहीं थी. और आज मैं उनसे, उनके साथ काम कर रही हूँ, तब पता चला कि वो कितने अच्छे और कित वट इज़ एक्टर ही इज़. ही इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी नाइस पर्सन. तो इट वॉज़ वेरी मच फन टू वर्क विथ हिम. और नायरा को तो मैं पहले से ही जानती हूँ, मेरी दोस्त है, हम लोग सेम डांस क्लासेस भी जाते हैं. और उसके साथ काम करने के लिए, तो जब मैंने सुना कि इस शो से इस सीक्वेंस के लिए मुझे कॉल आया था, तो मैं बहुत खुश थी. मतलब ट्रैक जानने से पहले इस बात की खुशी हो रही थी मुझे कि हाँ, कि मुझे अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा. आपने कहा था कि कैमियो जैसा रोल है, बट काफ़ी बड़ा हुआ है. जी नहीं, ये सिर्फ एक ट्रैक है और इस ट्रैक में सबसे मज़े वाली बात यही है कि एक टेररिस्ट के रूप में कभी भी मैंने, टेररिस्ट इन द सेंस आतंक जो मचा रहे हैं वो लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो कैरेक्टर मैंने कभी किया नहीं. तो मैंने सोचा कि इसको ज़रूर करना चाहिए. थैंक यू. वन, नमस्कार. रसाल आज के सीन में भाई साहब के पास जाएगी, जैसे कि आप जानते हैं शिवरात्रि का वहाँ उत्सव है हमारे सीरियल में और हमारे देश में. तो रसाल जाती है, भाई साहब को रोकेगी डीएम साहब को गोली मारने से, क्योंकि जो किडनैपर्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो हमें, मेरे भाई साहब को रसाल का एक वीडियो दिखा के प्रोवोक करते हैं कि तुम्हारी बहन को हम मार देंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी. तो सोया हाँ, ड्रामा होने वाला है, इमोशंस होने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है अभी. जी हाँ, अभी कुछ नए आर्टिस्ट की एंट्री हुई है. शीन दास एक एक्ट्रेस हैं, वो आए हैं हमारे शो में टेररिस्ट बन के. बाकी अभी टेररिस्ट अटैक चलेगा, आई थिंक कल या परसों तक चलेगा, लेट्स सी. सोशल मीडिया पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों ने फैन पेजेस बनाए हैं और लोग काम को पसंद कर रहे हैं और जुड़ चुके हैं रसाल से, शिवराज से. तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं. मैं भले मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाती, बट मैं पढ़ती हूँ. तो प्लीज़ गाइज, कीप सेंडिंग मी क्यूट मैसेजेस एंड दैट्स वॉट मोटिवेट्स मी, जो मुझे और मेहनत करने के लिए हिम्मत देता है. तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वर्षा शर्मा ऑफिशियल, मैसेज मी. ओके, हाँ, मुझे चकोरी मासा और भाई सा और समर, ये तीन लोग मेरे फेवरेट हैं. अभी शीनदास जो न्यू एक्ट्रेस है वो आई है, वो भी बहुत क्यूट है, तो या मज़ा आता है. थैंक यू. एक्शन. ये देखा निशान राजा, हाँ करेक्ट, हाँ बस ये रुका, हाँ ये गन पे हार गया. क्या कहा? आप लोग पोजीशन पे रहो सर, आप लोग फ्री फील्ड में हो, टॉयलेट में रहो, तो गेम रख सर.
मेरी बात मैडम लेफ्ट कर के कैमरा देखो मैम कैमरा कैमरा हां ये ठीक है एक्चुअली तो कमाना है मैम इतना पीछे मत रहना और पास Hello.